थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपके उपस्थिति में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपनी उपस्थिति को अवेलेबल किया ताकि हम आपकी देह, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया में आपकी उपस्थिति में आकर अपने आप को समर्पित करें और आपकी निकटता में आने के कारण हमारा जीवन परिवर्तित हो और परिवर्तित होता चला जाए, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वाले नई सृष्टि बने और आपके पुत्र के सदृश बने, उसके पुत्र की पहचान में एक हो जाएं, ताकि आपका उद्देश्य हम सब के जीवनों से पूरा हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। इन सब बातों के लिए प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं कलीसिया में और चाहते हैं आपकी मर्जी हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में जब जब हम आते हैं आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होना शुरू हो। और धन्यवाद करते हैं कि जब आप कार्य करते हैं आप अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करते हैं, ताकि प्रभु हम सब का जीवन इस आपके पुत्र की पहचान में प्रकट हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान उद्देश्यों के लिए और सामर्थ्य के अनोखे काम के लिए जो वो हम सब के जीवन में हमारे भीतरी मनुष्यत्व में वो जो कार्य कर रहा है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 71 में आज हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन टू बी अनइक्वली योक्ड। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 14 पद को हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का, धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं है, है ना, इस कोई जोड़ नहीं है, ये कह दीजिए जी। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, कोई फेलोशिप नहीं हो सकती है कि हम ज्योति में भी फेलोशिप करें और अंधकार में भी, दोनों जगह में एक साथ नहीं हो सकते हैं जी। डू नॉट, नहीं बस ये हो गया, नहीं और होगा, ज्योति और अंधकार की क्या संगति आगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ जी, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, यानी कोई रिलेशन नहीं है, एक और होगा भी, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। यहां पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस एक बात को आपको पांच पॉइंट पर जाकर समझना होगा। वो पांच पॉइंट, पांच प्रश्न हैं कि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल, ये अनइक्वल योक्स हैं। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ अनइक्वल योक्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार हर कलीसिया के सदस्य को जो मसीह की देह का हिस्सा है, अंग है, उसे ये पांच पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि हमें कहां कितना कनेक्शन रखना है, कनेक्शन नहीं रखना है, लेकिन हमको कैसे वहां पर डील करना है और कैसे हमको, यानी क्या बोलेंगे इसको, राजनयिक तरीके से, जिसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। जब हम संसार में डील करते हैं, अविश्वासी और विश्वासी के बीच जो डीलिंग होती है वो डिप्लोमेसी कहलाती है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है डिप्लोमेटिक वे में हम बात करते हैं, डिप्लोमेटिक वे में उनके साथ रिलेट करते हैं, लेकिन हम रियल रिलेशनशिप में उनके साथ आगे, पार्टनरशिप में नहीं आगे बढ़ते। और ये अंडरस्टैंडिंग इसी से पता चलेगा कि तुम मसीह के हो के नहीं। यीशु मसीह ने लोगों को, जब वो इस पृथ्वी पर था, सेवकाई कर रहा था, उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। मैंने आपको कल इसका राइट फिगर आपके सामने रखा कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्ति जब मसीह पर विश्वास करके उस संगति का, उस ट्रिनिटी का एक पार्ट बनता है,
उसका एक फिक्स पार्ट बनता है, वो पार्ट संसार के लोगों के साथ रिलेट नहीं कर सकता। अब यहां पे आप मसीह का जुआ आपने अपने ऊपर उठा लिया और उसके बाद आप अनइक्वली योग्ड हो गए कहीं और, तो अनंत दंड के भागी हो जाएंगे। और ये एक गहरा विषय है जिसको शुरू तो किया है लेकिन आपको इस विषय पर बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि ये विषय आपके अंतरात्मा के लिए और आपके भीतरी मनुष्यत्व के लिए और आपके जीवन के लिए, जब आप संसार में हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप एक्चुअली हैं किसके, संसार के हैं या मसीह के हैं। आप संसार में रहकर कैसे मसीह के हो सकते हैं? यीशु मसीह, देखिए हम आपको इसको थोड़ा सा आपको क्लू देते हैं इसको, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस मैटर। एक स्त्री, विवाहित स्त्री, उसका पति जब घर पर नहीं होता है, दूर देश चला जाता है और उस स्त्री को सब कुछ डील करना होता है, तो वो अपने आप को कैसे सबसे बचाए रख सकती है, पवित्र रख सकती है, जबकि उसका पति नहीं है। पति की अनुपस्थिति में वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेगी? है कठिन विषय? यही विषय इस संबंध में है। दावे कभी मत कीजिएगा मसीह में, हम आपको पक्का बता रहे हैं। When you are in physical life, जब आप शारीरिक जीवन में हैं, मसीह को अभी आपने इतना सा भी नहीं जाना है, आपका उसके साथ सही संबंध नहीं हुआ है, कभी दावा मत कीजिएगा कि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है, क्योंकि आपकी आपकी जीवन शैली, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपकी बोली, ये सब कुछ बिल्कुल विपरीत हैं। तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के सच्चा सेवक भी जानता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके सामने फिर मसीह की नाम की निंदा होती है आपके जीवन से, और फिर तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। मसीह का आपके साथ जब तक घनिष्ठ संबंध ना हो जाए और आपके जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपका प्रकटीकरण स्वयं वो ना करे, तब तक आप अपने पत्ते किसी के सामने खोलिएगा नहीं, खतरा आप ही को होगा। ठीक, ये निर्देश है और इस निर्देश का पालन करते हुए आप मसीह जीवन में आगे बढ़े। बड़ी बड़ी डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना ये, और दावे करना, ये झूठे लोगों का काम है। और हम दावे करके, हम फिजिकल हैं, हम दावा करेंगे और हमारा दावा फेल कर देगा वही, वो कहेगा ये है नहीं मुझे जी। आपका मनुष्यत्व भीतरी मनुष्यत्व में काम कर रहा है तो ये गुप्त है, तो मसीह आपके अंदर गुप्त रूप से कार्य कर रहा है, आप उसके साथ गुप्त रूप से कनेक्टेड हैं, तो इस चीज को संसार पर कभी जाहिर ना करें। ये प्रेम संबंध होता है, प्रेम संबंध को प्रकट नहीं किया जाता है उचित समय तक, जब तक वो स्वयं प्रकट ना करे। सच्ची मसीहत यही कहती है और यही वचन कहता है। यहां पर जो उसने मुद्दा उठाया है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, हाँ, इसका अर्थ क्या है? ये भी एक फ्रेज है, एक टर्म है, असमान जुआ और अविश्वासी। अब आप इसको जब 5 पॉइंट देखते हैं, कई बार हमने इस पर बहुत इस लोगों का प्रचार सुना, वो लोग धार्मिक प्रचार करते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं वो इस मुद्दे को धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों के सामने रखते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण ये कहता है कि आप जिस मत के मानने वाले हैं, आपके लोग दूसरे मत के लोगों के साथ संबंध ना रखें या रिश्ता ना रखें। आप मसीहत में ले लीजिए कि जितने डिनोमिनेशन हैं, एक डिनोमिनेशन की लड़की दूसरे डिनोमिनेशन के लड़के से विवाह संबंध ना रखे, या एक डिनोमिनेशन का लड़का दूसरे डिनोमिनेशन की लड़की के साथ विवाह संबंध ना रखे। लेकिन क्या पौलुस यहां पर यही विषय बोल रहा है या यहां पर कुछ और गहरी चीज है जो
पवित्र आत्मा के प्रकाश के बिना आपको मिलेगी नहीं। जबकि है इन पांच प्रश्नों में ही सारा रखा हुआ है, लेकिन ये स्टडी के पॉइंट से ये जो पांच प्रश्न हैं, ये पांच दृष्टिकोण रखे गए हैं ताकि आप इन पांच दृष्टिकोण से, और ये पांचों दृष्टिकोण यीशु मसीह की शिक्षा से संबंध रखते हैं। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मनुष्यों की जब सृष्टि की, उन्हें नर और नारी करके बनाया, दैट्स ऑल। अब एक लड़का एक लड़की से विवाह करेगा और करना चाहिए, है ना? तो अगर कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करता है तो सबसे मुख्य चीज आ जाती है कि वो किस मत का है, और लड़का किस मत का है, लड़की किस मत की है। यही तो लड़ाई की जड़ है। लेकिन परमेश्वर के अनुसार आदम, अगर आप वचन के अनुसार चले वहां से, तो आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी पत्नी ने किया और पत्नी के द्वारा पति ने किया, दोनों ने कर दिया, तो वो लोग आ गए पतन की अवस्था में, यानी परमेश्वर रहित जीवन, स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलाइव। अब आप एक बात बताइए, कौन सी जाति ऐसी है जिसमें लोग स्पिरिचुअली अलाइव टोटल है? तो फिर ये मुद्दा फिर कैसे आ जाता है? आपस में विवाह संबंध स्थापित करो। आप जो दृष्टिकोण से लड़के के लिए लड़की देखते हैं या लड़की के लिए लड़का देखते हैं, तो वो दृष्टिकोण आपका कितना सफल होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, या सफल होगा या नहीं होगा। आप अपने गोत्र में देख रहे हैं, आप अपने नजरिए से अपने बच्चों का विवाह करना चाहते हैं। परमेश्वर ने विवाह के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा है। आप नए नियम में आते हैं तो यहाँ पे विवाह के लिए कोई नियम नहीं दिया हुआ है नई वाचा के अंतर्गत, और ना ही मृत्यु या अंतिम संस्कार का कोई विवरण दिया है कि इसी रीति से करना। यीशु मसीह ने आपके फिजिकल लाइफ को बिल्कुल टच ही नहीं किया, क्योंकि विवाह फिजिकल लाइफ का पार्ट है और अंतिम क्रिया भी फिजिकल लाइफ का ही पार्ट है, और उस पार्ट को उसने पूरा नई वाचा में बिल्कुल छोड़ दिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, तो फिर शारीरिक वाला पार्ट हटा दीजिए, अब बताइए कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जूतो, इसका संबंध शारीरिक पार्ट से तो है ही नहीं, फिर कौन से भाग से है? जोर से बोलिए, इतना डर क्यों पता नहीं? अरे दो ही तो भाग है जीवन, एक शारीरिक और एक आत्मिक, तो कौन से भाग से रिलेशन है? अगर आप इस मुद्दे को समझना चाहते हैं, ये स्पिरिचुअल मैटर है, दिस इज नॉट अ फिजिकल मैटर, दिस इज अ स्पिरिचुअल मैटर। अब समझ में आई? क्योंकि पांच प्रश्नों में जो कंपैरिजन टेबल दिया गया है प्रश्न, वो स्पिरिचुअल पार्ट के ही है, वो फिजिकल पार्ट के है ही। जो लिखा हुआ है ना कि, फिर से इस पद को हिंदी में पढ़िए, 6:14-15 दो पद है ना, अविश्वासियों के साथ असमान, बस एक मिनट रुक जाइएगा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। अब मैं आपको बाइबल का एक हिंदी वर्जन और है, वहां पे मैं बताता हूं वहां क्या लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है, जो लोग मसीह पर विश्वास नहीं लाए हैं उनके साथ साझे में कुछ मत करो, इसलिए कि धार्मिकता या उचित, धार्मिकता का ब्रैकेट में दिया हुआ अर्थ उचित करने वालों का अधार्मिकता यानी अनुचित करने वालों में कैसे एकता बनी रहेगी, इनमें आपस में यूनिटी नहीं हो सकती, अधर्मी और धर्मी का मेल नहीं हो सकता, इनमें आपस में यूनिटी नहीं हो सकती, यूनिटी ऑफ थॉट नहीं होगा, यूनिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, तो इनमें आपस में मेल नहीं खाएगा, हाँ दोनों के अलग अलग, तो ये दो हिस्से हैं, हैं? और ये दो प्रकार के मनुष्यों की बात की जा रही है, ये स्पिरिचुअल पार्ट है। और इसी के साथ साथ इसमें लिखा है कि या रोशनी या अंधेरा साथ एक साथ कैसे रह सकता है, दूसरा प्रश्न यही है ना, रोशनी और अंधेरा एक साथ रह सकता है? जैसे ही आप आएंगे अंधेरे में और बटन दबाएंगे रोशनी होगी अंधेरा गायब, तो एक बार में एक ही चीज रहेगी, या तो रोशनी रहेगी या अंधेरा रहेगा। मसीही विश्वासी लोग
दोनों चीजों के पार्ट बने हुए, इसका मतलब वो मसीही नहीं है। आपको अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन मसीह है, कौन मसीह में है, कौन नहीं है। आप मसीह में हैं कि आप मसीह में नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा, ये आपको खुद देखना है। और इसी के साथ साथ मसीह और शैतान कैसे एक सहमति में बना सकते हैं, इनकी आपस में कभी सहमति रह सकती है? ये जो बलियाल वर्ड यूज किया गया है वो शैतान के लिए यूज किया गया है, और गैर मसीह का मसीही और गैर मसीही का क्या संबंध है? क्या परमेश्वर के भवन और मूर्तियों के बीच कोई समझौता हो सकता है? नहीं। तो इसी विषय को अनइक्वल योग के द्वारा या पार्टिसिपेशन के द्वारा या कनेक्शन के द्वारा, योग जो है वो कनेक्शन है। अब हम आपको और सरल ले आए, योग यीशु मसीह के कनेक्शन, आपका यीशु मसीह के साथ कनेक्शन, और यीशु मसीह का पिता के साथ और आपका मसीह के साथ और पिता के साथ कनेक्शन, ये ट्रिनिटी बन जाती है। और ये ट्रिनिटी में पवित्र आत्मा वाले सेक्शन में मसीही विश्वासी होता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको ये देखना है कि आज आप विश्वास में कहां खड़े हैं, मसीह के साथ बंधे हुए हैं पिता के प्रेम में, या आप अभी इन सब विषयों से बहुत दूर हैं। लोग ये सोचते हैं कि कलीसिया में आ जाने का मतलब कि हम विश्वासी हो गए, ये गलत है, नहीं है। जब तक वो आपको ग्रहण नहीं करेगा, आप सालों साल सारी जिंदगी चर्च आइए, आप हो सकता है सारी जिंदगी में बॉर्न अगेन ना हो, ये हम पक्का बता रहे हैं आपको, सारी जिंदगी में भी आप बॉर्न अगेन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जीवन जो अनंत जीवन है ये परमेश्वर की इच्छा पर है, ये मनुष्य की इच्छा पर है ही नहीं। आपका शारीरिक जनन भी आपकी इच्छा से नहीं हुआ, ना माता पिता की इच्छा से हुआ, ये समय और संयोग था कि आपका जन्म हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, परमेश्वर की इच्छा थी आपका जन्म हो तो आपका शारीरिक जन्म हुआ। लेकिन अब आत्मिक जन्म की बात आती है, बॉर्न अगेन की, किस पर निर्भर करता है कि हमारा आत्मिक जन्म हो? परमेश्वर। अब आपको समझ में आ गया, जो लोग बहुत चाहते हैं कि उनका आत्मिक जन्म, उनका नहीं होता है, हम आपको पक्का बता रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं, अनजान है, उनका हो जाता है, क्योंकि जन्म जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि वचन भी यही कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 13 पद पढ़िए, 12-13 पद पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का यह अधिकार हमको मिलता, किससे? प्रभु यीशु मसीह से, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया जी, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहां तक तो आप पढ़ेंगे तो सब कहते हैं हम विश्वास रखते हैं, सबका अपना अपना दावा है। अब कौन कितना विश्वास रखता है, सच्चा रखता है कि झूठा रखता है कि नहीं रखता है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय ना हम कर सकते ना आप कर सकते। तो उसने कर तो दिया निर्णय, वचन में जाइए आगे, अगला पद पढ़ दीजिए, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो लोग बॉर्न अगेन है, वही लोग बॉर्न अगेन है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है वास्तव में। अब ये कठिन बात है, ये हम जज नहीं कर सकते हैं दूसरे को, लेकिन हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमने कितना किया, हम करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे जीवन से भाई हमारे, हम जो बोएंगे वो हम ही काटेंगे, आप बोएंगे तो आप काटेंगे, तो हम आपको क्यों जांचें? हम खुद को जांचें? वचन किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है कि हम अपने आप को जांचें? तो हर एक व्यक्ति अपने अपने अंदर झांक के देखे वो कहां खड़ा, तुम मसीह में हो कि नहीं,
ये प्रश्न व्यक्तिगत हो जाता है आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। अब इस हिसाब से देखें तो आप इस मुद्दे को, अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि एक जुआ एक लकड़ी की पट्टी है जो दो बैलों को एक दूसरे से और उनके द्वारा खींचे जाने वाले बोझ से जोड़ती है, जुए के विषय में। ठीक है, जुआ ऐसे एक लकड़ी होती है, फिर बीच से जुड़ी एक लकड़ी होती है जो पीछे लोड से जुड़ी होती है, और ये लोड से जुड़ती है, वो जुआ जुड़ता है और जुए में दो लोग होते हैं, ठीक, दो जानवर होते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक दूसरे से खींचे जाने वाले बोझ से जोड़ती है। एक असमान जुए यानी टीम में, यानी एक ऐसी टीम जिसमें दो विरोधी रहे हो एक साथ, उन्हें काम करना है, तो दो विरोधी आपस में काम करेंगे कि झगड़ा करेंगे? आप घर में देख लीजिए, दो महिलाओं को एक साथ काम में लगा दीजिए, फिर देखिए आप, ये असमान जुआ है, कभी काम होगा नहीं, कभी नहीं होगा, लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता, सारी जिंदगी झगड़ा रहेगा, सारी, पक्का बता रहे आपको, ये असमान जुआ यही है। वो क्योंकि अपने अपने ऊपर अपने काम पे ध्यान देने के बजाय हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, इसके बजाय उसने क्या किया, ये बहुत बुरी चीज है, ये टेंडेंसी है, ये स्वभाव है आपका, और इस स्वभाव से आप छूट नहीं सकते। यह असमान जुए या टीम में एक मजबूत बैल होता है और एक कमजोर, या एक लंबा और एक छोटा बैल होता है। कमजोर या छोटा बैल लंबे या मजबूत बैल की तुलना में अधिक धीमी गति से चलता है, जिससे भारी जो भारी हलकों में घूमता है, हाँ, भार हलकों में घूमता है, हल्का घूमता है, ठीक है, भार लेकर वो हल्का चलेगा। जब बैलों को असमान जुए में रखा जाता है तो वे उनके सामने रखे गए कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि एक कर रहा है और एक कर ही नहीं रहा, मक्कारी कर रहा, करने का ड्रामा कर रहा है, हाँ, तो वे उनके सामने रखे गए कार्य को नहीं कर सकते, लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। एक साथ काम करने के बजाय वह एक दूसरे के विरोधी है, साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि आप शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन 50-50 है, ना स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कंप्लीट है, ना फिजिकल लाइफ में बहुत ज्यादा मैच्योर है, ना स्पिरिचुअल लाइफ में, इधर भी बेबी हाँ, इधर भी परिपक्व नहीं है मानसिक तौर पे और इधर भी परिपक्व नहीं आत्मिक तौर पे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी, वो तो असमान जुआ खुद ही है उसके अंदर, क्या वो मसीह के साथ चल पाएगा? ऐसे लोगों के कारण परमेश्वर की निंदा होती है, और इसीलिए पोल खोल है ये परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा पोल खोल है और ये खोल देता है। मैं पौलुस की पहला दूसरा कुरिन्थियों 6:14 पद में पौलुस की चेतावनी मसीही जीवन पर कुरिन्थ में कलीसिया के लिए एक बड़े प्रवचन का हिस्सा है। यानी पौलुस जो दूसरा कुरिन्थियों 6:14 पद में बोल रहा है, उसके 5 प्रश्न ये बहुत बड़ी टीचिंग का हिस्सा है कलीसिया के लिए, और इसलिए उसने उन्हें अविश्वासियों के साथ असमान साझेदारी में रहने से हतोत्साहित किया, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी विपरीत हैं और दो विपरीत एक साथ चल नहीं सकते, जैसे प्रकाश और अंधकार विपरीत है, उनके पास सामान्य रूप से कुछ भी सामान्य नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मसीह के पास बेलियाल के साथ कुछ भी सामान्य नहीं है। एक इब्रानी शब्द जिसका अर्थ है व्यर्थता, ये बेलियाल का मतलब मालूम क्या होता है? बेलियाल एक इब्रानी शब्द है, इसका अर्थ होता है व्यर्थता, व्यर्थता यानी सब फालतू में, और यहां पौलुस इसका उपयोग शैतान को संदर्भित करने के लिए करता है। जो लोग व्यर्थ में बिजी रहते हैं, व्यर्थ कामों में बिजी रहते हैं, व्यर्थ विचारों में बिजी रहते हैं, तो हमने बिजी की परिभाषा कल बताई थी ना, बीइंग अंडर द सैटन्स योग, वो शैतान के जुए में है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी, ऐसे कलीसिया में बहुत से विश्वासी हैं, ये मसीह के साथ नहीं चल सकते, जुए में
उसके साथ आ जाने का मतलब मसीह के साथ चलो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में चलो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। अगर हम सिंपल करते जाएं तो कैसे चल सकते हैं? जिसके विचार ही गलत है वो परमेश्वर के वचन से उनका विचार मैच ही नहीं करता। परमेश्वर से जब आपका विचार नहीं मैच करेगा आप उसके साथ चल पाएंगे? दो विपरीत विचार वाले एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, उनमें आपस में कभी रिलेशन मजबूत नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के बाद तो क्या होता है मालूम? सबको मालूम है क्या होता है। दो विपरीत स्वभाव वाले एक कमरे में छोड़ दी जाए, थोड़ी देर बाद आकर चेक कीजिए क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल घर में कर लीजिएगा। और इसीलिए यहां पे पौलुस इसका उपयोग शैतान को संदर्भित करने के लिए करता है। विचार ये है कि बुत परस्त या मूर्ति पूजक, दुष्ट, अविश्वासी दुनिया शैतान के सिद्धांतों द्वारा शासित है और मसीहों को उस दुष्ट दुनिया से अलग होना चाहिए, जैसे मसीह शैतान की सभी विधियों, उद्देश्यों और योजनाओं से अलग था। उसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा था ना, मैंने संसार में जय पा ली है और उस दुष्ट पर, उस दुष्ट का मुझ में कोई नहीं है। यीशु मसीह पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। यीशु मसीह ने उसको हरा दिया था, हर कदम पे हराया और अंत में मृत्यु को हरा कर यीशु मसीह जयवंत हो गया। शैतान के पास, अगर आप ग्रीक में देखें, ग्रीक शब्द में, तो शैतान के पास जो मैक्सिमम पावर है वो है पावर ऑफ क्रातोस। क्रातोस ग्रीक में कहते हैं और क्रातोस का मतलब होता है पावर ऑफ डेथ, मृत्यु की शक्ति। और यीशु मसीह के पास भी जो मैक्सिमम पावर है वो पावर है क्रातोस, ग्रीक में लिखा है। और यहां पे क्रातोस का मतलब है पावर ऑफ रेजरेक्शन। तो शैतान के पास जो मैक्सिमम पावर है वो पावर ऑफ डेथ है और यीशु मसीह के पास जो मैक्सिमम पावर है वो पावर ऑफ रेजरेक्शन है। तो आपको, जब आप शैतान के जुए में होंगे तो आपको मृत्यु ही लक्ष्य है, और आप जब मसीह में होंगे तो पुनरुत्थान ही लक्ष्य बन जाएगा। लेकिन दोनों वर्ड को ग्रीक में क्रातोस ही बोला है। क्रातो यानी ये दो पावर्स हैं, लेकिन दोनों के, दो व्यक्तियों के पास ये दो अलग अलग पावर्स हैं। इसीलिए हम इस विषय को बहुत ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे और यहां पे हम इसको समझेंगे। असमान जुए को अक्सर व्यवसायिक संबंधों पर लागू किया जाता है। एक मसीही के लिए एक अविश्वासी के साथ साझेदारी में प्रवेश करना विपत्ति का सामना करना है, ये हमेशा याद रखिए। अविश्वासी के दृष्टिकोण और नैतिकता के विपरीत होते हैं। अविश्वासी का जो दृष्टिकोण है वो नैतिकता के विपरीत होते हैं और दैनिक रूप से किए गए व्यवसायिक निर्णय एक साथी या दूसरे के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। रिश्तों में काम करने के लिए एक या दूसरे को अपने नैतिक केंद्र को छोड़ना होगा और दूसरे की ओर बढ़ना होगा। जब आप चाहते हैं कि आप मसीह के हो जाएं, तो आपको अपनी सारी नैतिकताएं किनारे रख के उसकी नैतिकता को आपको ग्रहण करना होगा। अपनी परिभाषा को लेकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की धार्मिकता की अपनी परिभाषा है और आप अपनी परिभाषा धार्मिकता की लेकर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। आपको अपनी धार्मिकता की परिभाषा बाहर रख के परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की धार्मिकता की परिभाषा क्या, उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ये गंभीर विषय है और इसमें सारा पूरा सुसमाचार इसमें आ जाता है। और इसीलिए जो लाभ और ये विश्वासी ही है जो लाभ और व्यवसाय की वृद्धि के लिए अपने मसीही सिद्धांतों को पीछे छोड़ने के लिए खुद को दबाव में पाता है। एक सच्चा मसीही जब है ना, वो दूसरे के साथ कभी भी संलिप्त नहीं होगा किसी भी गतिविधि में, जिसे कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप में कभी नहीं जाएगा। वो व्यवहार सबसे रखेगा,
लेकिन उनके साथ दाल भात एक नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आपको इसको और इसका नजरिया कैसे पकड़ना है। वचन देखिए, बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ, बाइबल अपने आप को खुद इंटरप्रेट करती है। इसे इंटरप्रेट करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। संसार में लोग यही गलत काम कर रहे हैं, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बाइबल को तोड़ मरोड़ रहे हैं। यही झूठी शिक्षा है और इसमें जितने लोग हैं ये सब निपट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना में वो लोग नहीं आते हैं, उनके लिए दंड निश्चय है। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए, सिद्धांत के लिए जाते हैं परमेश्वर की व्यवस्था में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आए, व्यवस्था विवरण और उसका 22 अध्याय, और उसका 9 पद पढ़ दीजिए। अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज ना बोना, ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र क्यों। अब आप देखिए, दाख की बारी को आप स्पिरिचुअली लीजिए, कलीसिया को दाख की बारी बोला गया है, कलीसिया को दाख की बारी बोला गया, यानी अंगूर की खेती है ये। एक एक डाल में जो फल लगता है वो फल प्लूरल होता है। अंगूर का दाना कभी आप नहीं लेते, अंगूर का गुच्छा होता है, तो अंगूर का एक गुच्छे में कई दाने होते हैं। ये कलीसिया का रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनागोरिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ये परमेश्वर चित्रण से दिखा रहा है और बिल्कुल स्पष्ट चित्र है। आप लिखित बातों में गलती कर सकते हैं, थ्योरी में गलती हो सकती है, लेकिन पिक्चर में कभी गलती नहीं होती। जो पिक्चर दिखाई जाती है उसमें भेद है, इसीलिए मसीह का सारा भेद पुराने नियम में रखा हुआ है, वो चित्र है और उन चित्रों को पवित्र आत्मा हमें दिखाता है। यीशु मसीह ने कहा क्या, मैं दाख लता हूँ और तुम डालिया हो। तो देखिए, दाख की बारी उसने दिखाई कि नहीं दिखाई, कलीसिया को दिखाया ना, कलीसिया दाख की बारी है। और यहाँ पे व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि दाख की बारी में दो प्रकार के बीज मत बोना। तो कलीसिया में दो प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, फिजिकल टीचिंग और स्पिरिचुअल टीचिंग दोनों साथ साथ नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। या तो फिजिकल होगी कलीसिया, या तो फिजिकल होगी या स्पिरिचुअल होगी। अब फिजिकल और स्पिरिचुअल दो कलीसियां आपस में कभी मेल नहीं खा सकती, खा सकती हैं, यही असमान जुआ हो गया। एक कलीसिया स्पिरिचुअल है और दूसरी फिजिकल है, इसको जुए में एक साथ जोड़ सकते हैं, यह अनइक्वल योग हुआ कि नहीं हुआ। आगे पढ़ दीजिए वहां पर 9 9 9। हाँ नहीं, 9 पूरा नहीं हुआ। अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज ना बोना, ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ। अब ये बताइए कि या तो मनुष्य कलीसिया में अपना वचन बो रहा है, अपना बीज बो रहा है, और या मसीह का आत्मा अपना बीज बो रहा है। ये तो कलीसिया के को देखने से पता चलेगा कि किसका बीज है, ठीक। और यीशु मसीह ने पहला कुरिन्थियों, देखिए फिर हम रोकेंगे आपको यहां से, यहां का एक एक लाइन आपको बाइबल में नए नियम में जरूर मिलेगी। अब आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, और 13 अध्याय का मेरे ख्याल से 13 अध्याय और उसका 37 पद पढ़ दीजिए। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज, इसका मतलब दो बोने वाले। एक तो यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा है कलीसिया में, एक कलीसिया जहां यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा है, यहां पे अच्छा बीज बोया जा रहा है, दाख की बारी है, और एक कलीसिया है जहां पर शैतान की आत्मा काम कर रही है,
दुष्ट आत्माओं की शिक्षा चल रही है, वहां पे किसका आत्मा काम कर रहा है? दुष्ट का, दुष्ट की आत्मा काम कर रही, तो वहां पे जंगली दाना हो रहा। तो यीशु मसीह ने तो दोनों बातें बताई है, दाख की बारी में दो प्रकार के बीज बोए जा रहे हैं, और यही सिद्धांत बताया था लॉ ऑफ मोसेस में, दो प्रकार के बीज एक साथ मत बोना। तो एक साथ तो नहीं बो सकते। अगर कहीं पे जो कलीसिया, जो मसीह का आत्मा जहां काम कर रहा है, हम आपको भेद की बात बता रहे हैं, वहां पे जो झूठी कलीसिया के सदस्य अगर धोखे से अधिक भाग जाएगा, पक्की बात बता रहे, वो टिक नहीं सकता। ऐसे ही उनकी कलीसिया में अगर आत्मिक व्यक्ति चला जाएगा, वहां से भाग आएगा, क्या काम नहीं जाएंगे जी। दोनों तरफ अलग अलग है तो मेल हो ही नहीं सकता। तो कलीसिया दो प्रकार की है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। दो प्रकार की शिक्षा है, एक सच्ची एक झूठी, ठीक। दो प्रकार के सेवक, सच्चे और झूठे। दो प्रकार की आत्मा, भ्रम की आत्मा, सत्य का आत्मा। आप इन चीजों को यहां पे अविश्वासियों के समान, असमान, जुए में जुटो, इसमें सारा भेद खुल जाएगा। अब आप इसको आगे पढ़िए व्यवस्था में, हाँ हाँ, दोनों अपवित्र। अगर तुमने अपना बीज बो दिया कलीसिया में तो आप पवित्र ठहरेगा, यानी वो ग्रहण योग्य नहीं है। तो जो कलीसिया ग्रहण योग्य नहीं है, यीशु मसीह कहता है उनको जाने दोने करने दो। यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो अपना काम कर रहा है, ठीक। आगे बैल और गधा, देखिए टू काइंड ऑफ एनिमल, यानी असमान जुए का मतलब क्या हुआ, वहां पर बड़ा और छोटा नहीं है। अब आप आइए मसीही दृष्टिकोण, पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण। जब यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, तो इसका मतलब कि हम उसके आगे कुछ नहीं है ना, हम उसके स्टेटस के सामने हमारा स्टेटस कुछ नहीं है। तो बड़ा छोटा तो है ही, असमान जुआ तो है ही, है ना। यीशु मसीह हमें बुला रहा है तो हम इस लायक नहीं है कि हम उसके साथ जुए में बराबर बैठे, तो असमान तो है ही है हम। तो दो बैल हो चलेगा। वहां पे जो असमान जुआ है, इसका मतलब दो बैल, छोटे बड़े, मोटे ताजे, ये सब नहीं है। दो ही बैल होते हैं, और एक पुराना और एक नया होता है। तो एक नया वाला जो है वो निर्बल होता है, पुराना वाला ट्रेंड होता है। यही तो होता है, किसान से पूछ लीजिएगा जाके, ना समझ में आए, क्योंकि आपको थोड़ा देहात का भ्रमण करना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। ऐसी प्राचीन चीज लिखी है बाइबल में, लिखा हुआ है प्राचीन काल में जाके पीछे, और उस मार्ग का पता करो, प्राचीन काल का वो मार्ग जिसमें मसीही लोगों को चलना चाहिए था। आज हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए ये प्राचीन चीजें हमें आज समझ में नहीं आती है। बैल हमेशा एक पुराना और एक नया ही होता है। वहां पे अनइक्वल योग का मतलब दो बैल कम बड़े छोटे मिलान करके कोई नहीं खरीदता है, नहीं, ना हो इक्वल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पिरिचुअली आप आइए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको फिजिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखिए, यीशु मसीह का एक नए विश्वासी के साथ कोई जोड़ है तो बड़ा छोटा यहां पर मिला लीजिए कि स्पिरिचुअली हम भी वैसे ही है। अगर मसीह ये कह रहा है कि उसके बराबर, उसके तुल्य होकर उस जुए में आओ, तब तो जीवन भर कोई नहीं आ सकता। एक भी मसीही नहीं मिलेगा इस पृथ्वी पर। आ सकता है? कॉमन सेंस से बताइए, तो ये झूठी शिक्षा है कि नहीं है? वहां पे जो बताना मांग रहा है, जो भेद है वो ये है। अब पढ़िए सिस्टर, अब समझ में आएगा। बैल और गधा दोनों को एक साथ जुए में कभी मत जोड़ो। इसका मतलब टू काइंड्स ऑफ एनिमल, टू काइंड्स ऑफ एनिमल, और वो दो काइंड लिखे हुए हैं, एक तो बैल है और दूसरा गधा है ना। तो ये दो जाति हो गई, दो जाति कभी भी जुए के नीचे एक साथ नहीं आ सकती। ऐसे ही हम जब तक सांसारिक है, अविश्वासी, हम मसीह के साथ जुए में नहीं आ सकते। अब समझ में आया? नहीं आ सकते। तो क्वालिफिकेशन कहां जाके चेक करनी है? जाति में।
दो जाति के पशु लिखा है, एक बैल और एक गधे को एक साथ जुए में जो उसको उससे खेत मत जोतना, यही लिखा है ना। और ऊन और सन की मिलावट के कपड़े मत पहनना, यानी दो प्रकार के, यानी हाइब्रिड चीज मना की। अनइक्वल योग का मतलब हाइब्रिड। आजकल मालूम है क्या हो रहा है इन द मॉडर्न एज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर को भी मालूम है और जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हो गए उन्हें भी दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है। वो कलीसिया का भी अंग बने हुए हैं झूठे विश्वासी, और संसार का भी हिस्सा बने हुए हैं, और संसार की सारी चीजों को भी वैसे ही लेके चल रहे हैं, और यीशु मसीह का भी अंगीकार कर रहे हैं, और कोई प्योर स्टैंडर्ड है ही नहीं। लाइन ऑफ एक्शन उनका देख लीजिए, जीवन शैली देख लीजिए, उनकी विचारधारा देख लीजिए, उनके मुंह के शब्द देख लीजिए, उनके उठने बैठने बोलने चलने का ढंग देख लीजिए, सारी चीजें आप मिला लीजिए, वचन की लाइन में कोई भी चीज नहीं है। इसलिए इस चीज पर अब हम इसी विषय पर अध्ययन के लिए कल से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दो प्रकार के पशु उसमें एक साथ ना ज्वाइंट करना, एक ही जाति के दो पशु ज्वाइंट कर सकते, बैल होने चाहिए, बैल ऑक्स। ऑक्स का काम है जुताई का, ठीक है, जो काम जिससे करनाना है उसी से लेना है, आप उसकी जगह अपनी मर्जी से बैल की जगह गधा नहीं लगा देना, ठीक। अब आप इस दृष्टिकोण पे जब आप वहां जाते हैं तब आपको पता चल जाता, अच्छा तो ये दृष्टिकोण ही अलग है, तो फिर क्या दृष्टिकोण हो सकता है। मेरे साथ आ जाइए, हम आप यीशु मसीह के दृष्टिकोण में चलते हैं। इन सब बातों को हम अपने दृष्टिकोण में नहीं देखेंगे, यीशु मसीह के दृष्टिकोण में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार तीन अध्याय का पहले पद से पढ़िए, फिर से ठीक से पढ़िए। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का हेड था, सरदार था जी। उसने या रात को यीशु के पास आकर यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि रब्बी का मतलब होता है गुरु, परमेश्वर की ओर से जो गुरु होता है उसको रब्बी बोलते हैं। और हम लोग संसार में पता नहीं कितनों को गुरु बोलते हैं, लेकिन गुरु तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमारा सच्चा गुरु सदगुरु एक ही है, उसको रब्बी बोलते हैं। और रब्बी का मतलब होता है अ टीचर फ्रॉम अबव, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया गुरु जी, क्योंकि कोई उन चिन्हों को जो तू दिखाता है अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह किसको बुला रहा था, किसको सेलेक्ट कर रहा है, उसने अपना यहां पे पॉइंट रख दिया। यीशु मसीह के साथ जुए में कौन जा सकता है, नहीं, ओनली बॉर्न अगेन। कान खोल के सुनिए, ओनली बॉर्न अगेन, नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति मसीह के साथ जुए में जुट जाएगा, दैट्स ऑल। और नहीं तो असमान जुए में वो नहीं आपको एक्सेप्ट करेगा जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, देखिए ये वाला इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इतना टफ था, उसकी समझ में कुछ नहीं आया, जबकि वो यहूदियों का हेड था। उसने यीशु मसीह से कहा, रीजनिंग कर रहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। अब देखिए ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे घूम गया। आज भी सब लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को ऐसे ही फिजिकल घुमा रहे हैं,
फिजिकल घुमा रहे लेके और फिजिकल घूम रहे, यही तो झूठी शिक्षा है। ऐसी सामरी स्त्री ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर को जानती है और परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता। वो सोचने लगी इसके पास ना तो रस्सी है ना बाल्टी और कुआं गहरा, ये जल आया कहां से। हर पॉइंट पे आपको दिखा देंगे, फिजिकल पार्ट भी चल रहा है, स्पिरिचुअल। तो ज्यादातर लोग कौन से हैं? तो आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है? तोड़ मरोड़ चल रहा है ना, आत्मिक बातें कहीं है नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रकाश है ही नहीं, सब ऐसी तोड़ मरोड़ के चल रहे हैं जी। क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता था? इलॉजिकल क्वेश्चन है जो असंभव है। शारीरिक जन्म के बाद शारीरिक जीवन और उसका अंत शारीरिक मृत्यु, ये एक चक्र है। इसका यीशु मसीह ने इस चक्र को छुआ ही नहीं, छुआ का ये चलने दो, सबका चल रहा है। उसने भीतरी मनुष्यत्व को पकड़ लिया, पाप को नष्ट करके और मृत्यु पर जयवंत होकर उसने यहां से काम शुरू किया, स्पिरिचुअल पार्ट। और स्पिरिचुअल लाइफ यानी स्पिरिचुअल बर्थ से स्पिरिचुअल लाइफ, और स्पिरिचुअल लाइफ का जो एंड है वो इटर्नल लाइफ है, इसकी बात कर रहा। तो मसीह की शिक्षा और ये जो शरीर शारीरिक जीवन है, ये दो अलग अलग चक्र हो गए कि नहीं हो गए? अब आप कौन से चक्र में फंसे हैं? यही भव सागर है। आप शारीरिक जीवन के चक्र में हैं और इस चक्र से इस चक्र में आप आ नहीं सकते अपनी मर्जी से, या आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम इधर से फान लेंगे इधर आ जाएंगे ना जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और अब यहां फिर उसने जो भाषा का इस्तेमाल किया उसको फिगरेटिव बोलते, मेटाफर्स में बात कर दी। अब ये मेटाफर्स के लिए आपको फिर पवित्र आत्मा का प्रकाश चाहिए। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, इसका मतलब नए सिरे से जन्म का मतलब है जल और आत्मा से जन्म। जल यहां पर जो जल है इसका मतलब है परमेश्वर का वचन, और आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा जो जन्म ले, ये आत्मा ही जन्म लेती है। बॉर्न अगेन आप हो सकते हैं कलीसिया में समर्पित रहने पर, आपको अपने आप को वचन के अकॉर्डिंग टर्न लेते जाना पड़ेगा, आपको संसार से अपने आप को अलग करते जाना पड़ेगा। जब तक आप 100% अलग नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में ये वाला चक्र शुरू नहीं, सरेंडर है। तो जब तक आप पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करते, जल और आत्मा के द्वारा आपका जन्म होएगा ही नहीं। ये भी टफ चीज है जी, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा, आप देखिए दो जन्म दिखा दिए और दो शरीर दिखा दिए, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है और जो शरीर से जन्मा वो शरीर है जी। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य, यानी इसके बिना आप यीशु मसीह के जुए में नहीं कनेक्ट हो सकते। तो कौन कनेक्ट होगा? बॉर्न अगेन, केवल बॉर्न अगेन। और बॉर्न अगेन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुए में जितने लोग आ गए बॉर्न अगेन होकर, भाग्यशाली हैं उनके लिए। आपको हम दिखा देते हैं, मेरे साथ आइए, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। लेकिन इसमें लालच मत कीजिएगा, मेरा क्यों नहीं हुआ अभी तक, मैं कैसे मैं जन्म पाऊंगा, ना ना, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। आप जिद करके अपना पैदा, अगर कोई स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी जिद कर ले कि हमें संतान उत्पन्न करनी, नहीं कर पाएंगे, पक्का बता रहे आपको। जितना जिदी आएंगे उतना नहीं होगा, क्योंकि ये काम मनुष्य की क्षमता में नहीं है, ये परमेश्वर का, इसीलिए लिखा है बच्चे परमेश्वर का वरदान है। जो संतान है ना, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें मिल जाती है और जो ललचाते उन्हें नहीं मिलता है। इसका मतलब बॉर्न अगेन में भी ध्यान रखिएगा, जितना आप कोशिश करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा,
कोशिश मत कीजिएगा, ये कोशिश से नहीं होता, ये परमेश्वर की इच्छा पर डिपेंड करता है। वो अपनी इच्छा से आपको जन्म दे दे तो दे दे। अब आप देखिए इसका पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय, नहीं वहां नहीं है, 19 पद पढ़िए, क्योंकि जो समाचार मैंने तुम्हें पहुंचा है, ये इसका 10 पद पढ़िए, 5 अध्याय का 10 पद। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में क्या गवाही है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा गवाही है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है, आपके अंदर गवाही होगी, वो गवाही क्या है? पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा है वो। जी, जिसने परमेश्वर पर विश्वास है नहीं किया, आप देखिए यहां पर मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा, तो परमेश्वर का मतलब होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों। ये वही जुए में आ जाने के बाद का मसला है, तब आप परमेश्वर में आ जाते हैं। जी, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। हाँ, उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है कि नहीं दी है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और परमेश्वर ने क्रूसिफिक्शन में भी गवाही दे दी कि मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो आनंद जीवन पाए। गवाही पर विश्वास किया? नहीं किया। जब तक विश्वास नहीं होगा, ये वो विश्वास नहीं जो आपके मन में है, ये वो विश्वास है जो वचन के द्वारा आपके अंदर पैदा होगा, और जिस दिन पैदा हो जाएगा ना उस दिन बॉर्न अगेन हो जाएगा। हालांकि हम ये फिर कहेंगे आपकी मर्जी पे नहीं, हमारी मर्जी पे नहीं, उसकी मर्जी पे है। जन्म कभी भी मनुष्य के अपने मर्जी का काम नहीं है। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए, आपको इसी पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। देखिए यहां पर सत्य वचन भी तो सत्य है। जब आप वचन में पूरी तरीके से आगे, वचन आपके हृदय में भर गया, आपके माइंड में वचन बैठ गया, अब आपको हर समय वचन के अकॉर्डिंग सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ वचन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन हाँ सोच रहे हैं वचन। तो जब आप वचन से परिपूर्ण हो गए तो ये सत्य है, वचन सत्य है। तो जो दूसरा जीवित वचन है वो यीशु मसीह, जिसका मतलब मसीह का अनुग्रह आपके चारों ओर हो गया। जी, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़त दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा। कई बार लोग अपना मन बड़ा दिखाते हैं, हम बहुत बड़े मन वाले, मन में इतना भरा हुआ है, मन में भरा भर 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 मन में भरा हुआ है। नहीं, मन में तुम्हारे जो भरा है वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। है? क्या ढाढ़स, अश्योरेंस, हाँ, अपने आप को तसल्ली देना, अपने आप को समझाना। हाँ, और अब इसमें आ जाइए 5 अध्याय का 18 पद, असली गवाही बता दे। असली गवाही है हमारे जीवन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर यानी बॉर्न अगेन हुआ, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता,
क्यों नहीं करता? क्योंकि जो परमेश्वर से होता है ये दूसरा कौन है? स्पिरिचुअल लाइफ में पहले कौन पैदा हुआ? आत्मिक जन्म किसका पहले हुआ? उसके बाद हमारा हुआ। तो पहलौठा कौन हुआ? यीशु मसीह हुआ। तो जो हम बॉर्न अगेन हो गए, इस बात में घमंड ना करें कि हम बॉर्न अगेन हैं और हम बहुत यानी विश्वास में मजबूत हैं, आत्मिक हैं, हम पूरी दुनिया को हिला देंगे ना। बॉर्न अगेन होने के बाद भी हम शैतान का निशाना बनेंगे, हम खतरे में रहेंगे और हमें कुचल के फेंक देगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो प्लान बनाया, आज संसार के सब विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन है नहीं, वो झूठे हैं, क्योंकि जो कोई मसीह में नहीं है वो झूठा है। जी अब पढ़िए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता, क्योंकि पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ कौन? तो हम पंगा नहीं ले, बॉर्न अगेन होने के बाद भी आप पंगा मत लेना किसी से, क्योंकि आपको बचाए रखने वाला, आपको बचाए हुए, घमंड मत करना कि हम बचे, हम बच गए। जी और वो दुष्ट किसे? जिसको यीशु मसीह बचाए रखता है उसको दुष्ट नहीं छूने पाता। तो ऐसे ढेर सारे बॉर्न अगेन लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने सेव नहीं किया, दुष्ट ने उन्हें खत्म कर दिया। मालूम क्यों? क्योंकि वो फिजिकल साइड भाग गए, वो घमंड करने लगे, हम तो बॉर्न अगेन है। बॉर्न अगेन होने के बाद उनको घमंड हो गया, अरे हम तो परमेश्वर के, अरे हमारे पास तो आत्मिक शक्तियां हैं, हमारे पास तो ये अधिकार है, हमारे पास तो ये अधिकार। घमंड मत करना। पौलुस ने इसलिए बार बार कहा कि घमंड नहीं, स्पिरिचुअल प्राइड भी बहुत खतरनाक चीज है, और शैतान तो चाहता है कि ये घमंड करे और गिरे और मैं इसे चपेटू। क्योंकि जब विश्वासी गलत करता है ना तो यीशु मसीह उसको छोड़ देता है। हमारे हमको बुलाया मसीह में, हम आए हैं बॉर्न अगेन होके, इसका मतलब हम मसीही नहीं है, हम बॉर्न अगेन हुए यानी मसीह में हमारा जन्म हुआ है। अभी तो हमने चलना भी शुरू नहीं किया, उससे पहले ही हमारा नामो निशान मिटा देगा। यही तो गलती हो रही थी कलीसिया में। इसी विषय में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ फिजिकल और स्पिरिचुअल का अंतर है, असमान जुए का मतलब एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, ये असमान हो गया। यीशु मसीह बॉर्न अगेन व्यक्ति ही उसके साथ जुए में कनेक्ट हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता, ठीक है जीरो है। यीशु मसीह कह रहा मुझसे सीखो, तो सिखाने के लिए बुला रहा, उसके साथ चलो और सीखो। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे, आज के विषय को क्लोज करेंगे। आपको मिलेगा ये उत्पत्ति की पुस्तक, ये भी आपके शुरू हो रहा है उत्पत्ति से, ये 17 अध्याय उसका पहला पद। उत्पत्ति की पुस्तक का 17 अध्याय है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, नहीं लिखा। इसका मतलब मेरी उपस्थिति में चलते रहो और सिद्ध होते रहो, ये एक प्रोसेस की बात कर रहा था। ठीक, तो अब्राहम जो विश्वासियों का मूल पिता है उसको परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यही हर बॉर्न अगेन बिलीवर के लिए निर्देश है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करो और धीरे धीरे सिद्ध होना शुरू करो, यही सीखना। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचन बाइबिल के लिए धन्यवाद करते हैं, रिटन वर्ड के लिए प्रभु। हमारे पास ये लिखित वचन है और हमारे पास जीवित वचन आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे पास मसीह का आत्मा है जो सिद्ध करने वाला आत्मा है, जो प्रकाश देने वाला आत्मा है, जो जीवन देने वाला आत्मा है, हमें अनंत जीवन देने के लिए आपने भेजा है। और हमारे पास प्रभु मसीह की देह, आत्मिक देह अर्थात कलीसिया है, जहाँ पे आपने हमें जोड़ा है ताकि आपका कार्य हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में शुरू हो और पूर्ण हो, और हम आपकी
महिमा के पात्र बने। आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष।